हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरदाना का डेकोर। तो आज हम बात करेंगे क्रेटा के बेस वेरिएंट के बारे में। तो ये बिल्कुल बेस मॉडल गाड़ी हमारे पास आई थी। मैं बीकानेर से आया हूँ और मैं बेसिकली आरएनबी ग्लोबल यूनिवर्सिटी में डीन हूँ और यहाँ पर ये कार हमने बीकानेर से परचेज की थी और ये हमने जो ये बेस मॉडल था हमारे पास में डीजल का क्रेटा का और अभी हमने सारा टॉप मॉडल में कन्वर्ट कर। बहुत ही अच्छा काम और बहुत ही अच्छा नीरज जी का और हमारे यहाँ साहिल का और जो हमारे अमित जी जो हैं इनका सबका बहुत ही अच्छा बिहेवियर हमारे को लगा। तो इस गाड़ी को हमने बेस से टॉप में कन्वर्ट किया है सरदाना कार डेकोर पे। तो सबसे पहले चलते हैं फ्रंट प्रोफाइल की ओर। तो इस गाड़ी में काफी सारी एक्सेसरी हमने हुंडई ओरिजिनल इंस्टॉल की है, जैसे कि कनेक्टिंग लाइट। तो सबसे पहले कनेक्टिंग लाइट की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो कनेक्टिंग लाइट इंस्टॉल की गई है, हुंडई ओरिजिनल की कनेक्टिंग लाइट इस गाड़ी में इंस्टॉल की है और प्रॉपर वायरिंग के साथ हमने इसको इंस्टॉल किया है। यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हो जो कनेक्टिंग लाइट इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल की गई है, बिल्कुल प्रॉपर ब्रैकेट के साथ हमने इसको इंस्टॉल किया है। तो आपको वर्किंग मैंने दिखाई थी तो अभी भी मैं आपको वर्किंग दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो बिल्कुल जबरदस्त फिटिंग के साथ हमने इसमें हुंडई ओरिजिनल जो फ्रंट कनेक्टिंग लाइट इंस्टॉल की गाड़ी के अंदर, जो हमने पियानो ब्लैक की जो फ्रंट ग्रिल इंस्टॉल की है, तो ये देख सकते हो बिल्कुल प्रॉपर हुंडई ओरिजिनल जो इस गाड़ी में हमने पियानो ब्लैक फ्रंट ग्रिल इंस्टॉल की है और साथ ही साथ में 220 वोल्ट की हेडलाइट के अंदर एलईडी इंस्टॉल की गई है। तो ये देख सकते हो वर्किंग, आप देख सकते हो बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग रहेगी और थ्रो है जो जबरदस्त रहेगा। 220 वोल्ट की हमने इस गाड़ी के अंदर एलईडी इंस्टॉल की है वाइब्रोसोनिक की और साथ ही साथ में जो हेडलाइट की क्रोम भी इस गाड़ी में हमने इंस्टॉल की है। तो ये देख सकते हो ये आपको हमारे पास जो मिलेगी बिल्कुल लेटेस्ट क्रेटा की हेडलाइट क्रोम इंस्टॉल की गई है। और साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल में भी काफी सारी एक्सेसरी हुंडई ओरिजिनल जो इंस्टॉल की गई है। तो सबसे पहले बात करें अलॉय व्हील की, तो इस गाड़ी के अंदर जो अलॉय व्हील इंस्टॉल किए गए हैं हुंडई ओरिजिनल टॉप मॉडल वाले, हमने इस गाड़ी के अंदर जो अलॉय व्हील इंस्टॉल किए हैं और साथ ही साथ में जो टायर हैं वो भी अपग्रेड किए गए हैं। तो ये भी जो अलॉय व्हील रहेंगे हुंडई ओरिजिनल रहेंगे। तो बेस मॉडल के अंदर यहाँ पे जो साइड वेंट नहीं आते, इंडिकेटर आते हैं, तो इस गाड़ी के अंदर हमने जो ओरिजिनल हुंडई के एडवेंचर के साइड वेंट इंस्टॉल किए हैं। तो देख सकते हो बिल्कुल प्रॉपर गाड़ी की जो लुक है बिल्कुल स्पोर्टी हो जाती है। और साथ ही साथ में बात करें ORVM के बारे में, तो ORVM जो इस गाड़ी के अंदर लगाए गए हैं हुंडई ओरिजिनल ORVM हमने इसमें इंस्टॉल किए हैं। और बात करें 360 कैमरों की, तो यहाँ पे जो 360 कैमरे के लिए साइड कैमरे यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। और अब बात करते हैं विंडो गार्निश के बारे में, तो जो विंडो गार्निश इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल की गई है, देख सकते हो बिल्कुल प्रॉपर क्रेटा की आपको हमारे पास जो विंडो गार्निश मिलेगी तो इस गाड़ी में हमने लगाई है। और अब आपको दिखाऊं हैंडल, तो यहाँ पे डोर हैंडल जो इंस्टॉल किए गए हैं हुंडई ओरिजिनल जो इस गाड़ी में हमने इंस्टॉल किए हैं स्क्रैच की सेफ्टी के लिए। यहाँ पे ये देख सकते हो जो हमने फिंगर गार्ड भी इंस्टॉल किए हैं और साथ ही साथ में यहाँ पे आपको दिखाऊं तो साइड वीडिंग भी जो हमने इस गाड़ी में इंस्टॉल की है, तो आप देख सकते हो बिल्कुल क्रोम के अंदर जो साइड वीडिंग इस गाड़ी की प्रॉपर क्रेटा की हमारे पास मिलेगी तो इस गाड़ी में इंस्टॉल की है। अब बात करते हैं रेन वाइजर के बारे में, तो यहाँ पे आप रेन वाइजर देख सकते हो, जो रेन वाइजर लगाए गए हैं बिल्कुल क्रेटा के हमने इसमें जो क्रोम लाइनिंग के रेन वाइजर इंस्टॉल किए हैं। और अब बात करते हैं रूफ रेल के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो रूफ रेल इंस्टॉल की गई है बिल्कुल ABS क्वालिटी की हमने इसमें रूफ रेल इंस्टॉल की है। और सारकफिन एंटीना की बात करें तो ब्लैक कलर का हमने इसमें हुंडई ओरिजिनल जो सारकफिन एंटीना इंस्टॉल किया है, तो ये देख सकते हो बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग में रहेगा। और बात करें रियर प्रोफाइल की, तो रियर प्रोफाइल में आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले कैमरा, तो यहाँ पे जो रियर कैमरा भी इंस्टॉल किया गया है इस गाड़ी के अंदर। और साथ ही साथ में बात करें बूट स्पेस की, तो बूट स्पेस में आप यहाँ पे देख सकते हो जो पार्सल ट्रे लगाई गई है हुंडई ओरिजिनल जो पार्सल ट्रे रहेगी, बैजिंग आप यहाँ पे देख सकते हो, ये भी ओरिजिनल पार्ट इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल किया गया है। और बात करें बूट लाइट की, तो यहाँ पे आप बूट लाइट भी देख सकते हो विद व्हाइट LED के साथ हमने इसमें बूट लाइट भी इंस्टॉल की है। और जो बेस मॉडल के अंदर जो एक्सेसरी आती है, तो यहाँ पे हमने इसको पैक कर दिया है, तो ये भी आप देख सकते हो जैसे साइड मिरर है, म्यूजिक की डमी है, ये काफी जो एक्सेसरी है वो हमने इसके अंदर पैक कर दी है। तो ये थी बाहर की मॉडिफिकेशन जो मैंने आपको दिखाई। और साथ ही साथ में आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे जो लेटेस्ट क्रेटा की हमने ये क्रोम की जो बीडिंग है ये लगाई है, यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल यहाँ तक की जो क्रोम मिलेगी और नीचे रिफ्लेक्टर क्रोम भी आप देख सकते हो, जो बम्पर क्रोम भी आप इसको बोल सकते हो, तो ये भी इस गाड़ी को एक स्पोर्टी लुक दे रही है। तो ये थी बाहर की मॉडिफिकेशन जो मैंने आपको दिखाई। और अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ, तो इंटीरियर में भी काफ़ी सारी एक्सेसरी इस गाड़ी के अंदर
इंस्टॉल की गई है। तो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ सॉफ्ट टच। तो इस गाड़ी में जो हमने इंटीरियर का काफी काम किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो सॉफ्ट टच किया गया है, बिल्कुल सॉफ्ट टच के साथ जो गाड़ी है बिल्कुल आरामदायक बन चुकी है। और साथ ही साथ में यहाँ पे जो हमने पावर विंडो के जो चारों पैनल हैं उनको पैनो ब्लैक किया है, और जो इनर हैंडल हैं ये मैट ब्लैक के आते हैं। तो इस गाड़ी के अंदर होंडा ही ओरिजिनल टॉप मॉडल के इनर हैंडल हमने इंस्टॉल किए हैं। और जो साइड मिरर के लिए यहाँ पे स्विच इंस्टॉल किया गया है, आप देख सकते हो होंडा ही ओरिजिनल जो स्विच इंस्टॉल किया गया है, वर्किंग मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाई थी और दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग में रहेंगे। और होंडा ही ओरिजिनल जो साइड मिरर इस गाड़ी में इंस्टॉल किए गए हैं, यहाँ पे आपको दिखाऊं तो जो ट्विटर के सैस हैं ये भी हमने इसमें इंस्टॉल किए हैं होंडा ही ओरिजिनल। और यहाँ पे जो पैनल है पूरे का पूरा चेंज किया गया है, टॉप मॉडल वाला हमने पैनो ब्लैक का जो यहाँ पे पैनल लगाया है। और अब बात करते हैं सीट कवर के बारे में। तो सीट कवर आप देख सकते हो फुली बकेट सीट कवर हमने इसमें इंस्टॉल किए हैं, कहीं भी आपको रिंकल वगैरह नहीं दिखाई देंगे, बिल्कुल सोफा फिट फिटिंग इसमें जो हमने सीट कवर की है। और ये टॉप गियर ब्रांड के हमने इसमें सीट कवर लगाए हैं, जो टॉप मॉडल में सीट कवर आते हैं वही सीट कवर हमने इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल किए हैं, बिल्कुल इंटीरियर की मैचिंग के साथ हमने इसमें जो सीट कवर लगाए हैं। और साथ ही साथ में जो नीचे हमने इसमें फ्लोर मैटिंग की है, पूरी गाड़ी की जो फ्लोर मैटिंग वाटरप्रूफ की गई है। और अब बात करते हैं स्टेयरिंग रैप के बारे में। तो आप देख सकते हो जो स्टेयरिंग रैप इस गाड़ी के अंदर किया गया है, बिल्कुल डबल कलर का हमने इसमें जो स्टेयरिंग रैप किया है, और ये भी हमने सीट कवर की मैचिंग के साथ ही किया है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल प्रॉपर और गजब की लुक आपको दिखाई दे रही होगी। और साथ ही साथ में बात करें स्टेयरिंग कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल की, तो यहाँ पे जो स्टेयरिंग कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल हमने इंस्टॉल किया है, ये पैनो ब्लैक के हमने इसमें स्टेयरिंग कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल इंस्टॉल किए हैं, ये भी होंडा ओरिजिनल रहेंगे। और वर्किंग की बात करें तो आप देख सकते हो बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग रहेगी, यहाँ से आप इनको म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हो। और साथ ही साथ में क्रूज कंट्रोल है जो, ये भी हमने प्रॉपर वायरिंग के साथ एक्टिवेट किया है, और ये भी बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग रहेगी। तो स्टेयरिंग रैप मैंने आपको दिखाई दिया, और अब चलते हैं म्यूजिक की ओर। तो इस गाड़ी के अंदर जो हमने म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल किया है, जमाइका 12.3 की स्क्रीन इंस्टॉल की है, बिल्कुल ओएम एंड्रॉइड जो क्रेटा का आपको हमारे पास मिलेगा। तो ये देख सकते हो बिल्कुल एज टू एज फिटिंग रहेगी, कहीं भी आपको गैप वगैरह नहीं दिखाई देगा। तो ये जो हमने इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल किया है ब्लाउ पंक का जमाइका 12.3 464 जो एंड्रॉइड इंस्टॉल किया है, और आप भी अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करवा सकते हो। और अब स्पीकर की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर जो हमने स्पीकर इंस्टॉल किए हैं सोनी GS सीरीज के आगे कंपोनेंट स्पीकर इंस्टॉल किए हैं। और रियर स्पीकर की बात करें तो जो कोएक्सियल स्पीकर हमने इस गाड़ी में इंस्टॉल किए हैं, और साथ ही साथ में हाई फाई साउंड बनाने के लिए चारों डोर्स के अंदर हमने अंदर बाहर की डंपिंग सीट की है, तो वो भी ब्लाउ पंक की हमने इसमें डंपिंग सीट की है। और यहाँ पे आपको दिखाऊं तो जो सनग्लास होल्डर लगाया गया है, बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग और फिनिशिंग के साथ हमने इसमें सनग्लास होल्डर लगाया है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल वर्क करेगा जो प्रॉपर, और साथ ही साथ में यहाँ भी व्हाइट LED हमने इसमें इंस्टॉल की है। तो ये थी क्रेटा गाड़ी जिसमें हमने काफी सारी एक्सेसरी इंस्टॉल की सरदाना कार डेकोर पे। और अब लेते हैं कस्टमर रिव्यू। तो सबसे पहले नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्ते सर, बहुत अच्छे। और आपको काम करवा के सरदाना कार डेकोर पे कैसा लगा? देखिए 3-4 दिन पहले हमने ऑनलाइन देख करके और सरदाना कार डेकोर पे हमने फोन किया था, और उसके बाद में आपका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। फिर हमने इनसे कोटेशन मांगा, कोटेशन के अंदर आपने रेट्स वगैरह हमारे को कॉस्ट की, और हमने गंगानगर और दिल्ली से भी हमने कोटेशन वगैरह लिए थे, आपकी रेट्स बहुत कॉम्पिटिटिव थी। और हमने आज पूरे दिन सुबह 10 बजे आ गए थे, और 2-3 बार यहाँ सरदाना कार डेकोर से हमारे को फॉलो अप भी किया गया, और बहुत ही सर्विसेज अच्छी है, बहुत ही अच्छा काम अच्छा किया है, और हम हाईली सेटिस्फाइड है। और सर एक हमारे कस्टमर को ये बता दें आप कहाँ से आए थे? मैं बीकानेर से आया हूँ, और मैं बेसिकली RNB ग्लोबल यूनिवर्सिटी में डीन हूँ, और यहाँ पर ये कार हमने बीकानेर से परचेज की थी, और ये हमने जो ये बेस मॉडल था हमारे पास में डीजल का क्रेटा का, और अभी हमने सारा टॉप मॉडल में कन्वर्ट करवाया। तो दिल्ली जैसे शहर के अंदर जो डिस्काउंट की बात करें तो 27-28% डिस्काउंट की बोलते हैं, तो यहाँ पे हमने तो आपको दिल्ली के भी काफी सारे वीडियोस वगैरह देखे थे, परंतु चूंकि ये ज्यादा कन्वीनियंट लगा हमारे को, और आज हम जब यहाँ आए हैं तो सरदाना कार डेकोर के जो वर्कमैनशिप जो हमने देखी है और आपकी जो हॉस्पिटलिटी देखी है
और जो किसी प्रकार की कोई फ्रॉडबाजी नहीं है यहाँ पर, बल्कि इमोशनली कई बार क्या होता है, अगर कस्टमर भी अगर कोई चीज जैसे ज्यादा पैसे की लगवाना चाह रहा है तो आप सही बता करके और सही रेट यहाँ पर लगाई जाती है और बहुत ही अच्छा उम्दा काम किया जाता है। हम हाईली सेटिस्फाइड हैं। तो सरदाना काटक और को सर 10 में से आप कितने नंबर देना चाहेंगे? बिल्कुल, हम तो 10 से 11 दे देंगे 10 में से, क्योंकि बहुत ही अच्छा काम और बहुत ही अच्छा नीरज जी का और हमारे यहाँ साहिल का और जो हमारे अमित जी जो हैं इनका सबका बहुत ही अच्छा बिहेवियर हमारे को लगा। तो आपको मैं बता देता हूँ, तो ये जो सर हमारे पास बीकानेर से आए थे, बीकानेर से हिसार गाड़ी को बेस से टॉप में कन्वर्ट करवाने आए थे, तो इनकी गाड़ी को हमने बेस से टॉप में कन्वर्ट किया सरदाना गार्ड एक और पे। और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप दिल्ली जाते हैं तो वहाँ पे आपको 27-28% का जो डिस्काउंट का एक लालच दिया जाता है, तो ये सब स्कैम है, तो इनसे बचें। तो अगर आप भी अपनी गाड़ी को बेस से टॉप कन्वर्ट करवाना चाहते हो, सरदाना गार्ड एक और पे विजिट करें और अपनी गाड़ी को बेस से टॉप कन्वर्ट करवाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।